हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजयलक्ष्मी क्रिएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक कुकिंग वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको सिखाएंगे राजस्थानी चूरमा बनाना। ये राजस्थान की फेमस डिश है दाल बाटी चूरमा, जिसमें से आज हम आपको चूरमा बनाने की विधि पूरी तरीके से सिखाने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हमने आटा लिया है। हमारा आटा अच्छा खासा दरदरा है, क्योंकि चूरमा वही अच्छा लगता है जिसका आटा थोड़ा दरदरा हो, जिसमें दाने बने बनने के बाद। अगर आपका आटा बहुत ही महीन, अगर आपका आटा ज़्यादा है, तो आप उसमें थोड़ी सी सूजी मिलाकर उसे दरदरा बना सकते हैं। सूजी ऑप्शनल है। अगर आपका आटा पहले से ही मोटा पिसा हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पतला है, तो इसमें आप सूजी डाल सकते हैं, थोड़ी सी दरदरा आटा हो जाएगा। तो ये हमने 500 ग्राम आटा लिया हुआ है। अब हम इसमें घी डाल रहे हैं, 5 चम्मच घी हमने इसमें यूज किया है। हम घी को अच्छी तरीके से इसमें मिला लेंगे पहले। अच्छे तरीके से घी को मिक्स कर लीजिए आटे में। अब हम इसमें दूध डालेंगे। हम ये जो आटा है वो दूध से लगा रहे हैं। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आपको घी थोड़ा और ज़्यादा डालना होगा। हम दूध का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए घी कम डालेंगे। और आटा बहुत टाइट होना चाहिए, क्योंकि चूरमे की जो मुट्ठियाँ हम बनाते हैं वो टाइट आटे की बहुत अच्छी बनती है, इसलिए आटा टाइट रखें। ये देखिए, आटा लग के तैयार है। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला था, एक साथ दूध नहीं डालना है, क्योंकि आटा मुलायम हो सकता है। ये सख्त आटा हमने लगाया है और हमने इसको ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि ये चिकना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी मुट्ठियाँ ठीक से नहीं बनती हैं। अब हम इसकी मुट्ठियाँ तोड़ेंगे। ये देखिए, हमने सारी तोड़ के एक साइड कर ली हैं। अब हम इनको कोई भी अपना मनपसंद एक आकार दे सकते हैं, जिससे हमें इन्हें तलने में आसानी हो। और ये सारी इस साइज में बनाने के बाद हम इनको भुनेंगे। ये देखिए, मेरा ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें तलने के लिए डालने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने तलने के लिए सारी मुट्ठियाँ डाल दी हैं और गैस को मैंने बहुत ही लो फ्लेम पे रखा है, ताकि ये धीरे धीरे बने। इनको बनने में थोड़ा टाइम लगता है और टाइम के साथ ही ये बननी चाहिए, ज़्यादा जल्दी भी नहीं और ज़्यादा लेट भी नहीं। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया था। अब ये ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकालूंगी, फिर दिखाती हूँ मैं आपको इनका कलर। ये देखिए, लाइट ब्राउन कलर या थोड़ा डार्क भी कह सकते हो आप इसे, बहुत टाइट है। इस तरीके से आपको ये सारी मुट्ठियाँ सेक लेनी है। उसके बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। मैं दिखाती हूँ आपको आगे का वीडियो, पहले मैं इनको सारा तल लेती हूँ। ये देखिए, हमने मुट्ठियों को थोड़ा थोड़ा तोड़ कर ठंडा कर लिया है। इन्हें हाथ से तोड़ दिया है सबको। अभी थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी, हम इन्हें मिक्सी में पीस देंगे। ये देखिए, मैंने चूरमे को अच्छी तरीके से पीस लिया है मिक्सी के जार में, और पीसने के बाद फिर से एक बार छान लिया है। जो उसमें से निकला था मोटा हिस्सा, वो फिर से पीस लिया है। ये तैयार है। और ये देखिए, मैंने बराबर बराबर मात्रा में बूरा और रवा मीठे के लिए लिया है। ये दोनों मैंने बराबर मात्रा में लिए हैं। अब हम इसको चूरमे में मिला देंगे।
हाँ, और इसको पहले से ही छान के साफ करके रखें, जिससे कि बनाते टाइम आपको ज्यादा देर ना लगे। मिक्स कर लें इसे। चूरमे को बनाने में बहुत समय लगता है, और जितना समय लगता है ये खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। मीठा डालकर रेडी है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, ये हमने पहले से ही पीस के रखा हुआ है। ड्राई फ्रूट्स हमने घी में तल के रखे हुए हैं पहले, अब हम ये भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना तले भी डाल सकते हैं, लेकिन हम तला हुआ खाते हैं। अब हम इसमें खोया डालेंगे, खोया हमने घर पर ही बना कर रखा हुआ है पहले से। अब हम इसमें इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको डालने के बाद। ये देखिए, मैंने अच्छे से खोया को मिला के रेडी कर लिया है। इसे बहुत अच्छे से मिलाएं, इसकी गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। अब हम इसमें 250 ग्राम घी डालेंगे, क्योंकि 500 ग्राम आटे का हमने चूरमा बनाया है। 300 ग्राम हमने इसमें मीठा डाला था। अब हम इसमें गरम घी डाल के अच्छे से इसको मिला लेंगे फिर से। राजस्थानी चूरमे के लिए देसी घी में बना हुआ चूरमा, शुद्ध देसी घी का राजस्थानी चूरमा होता है। ये जो राजस्थान में अंदर बनाया जाता है वो प्रॉपर विधि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सारी चीजें इसमें डलती हैं। अच्छे से मिक्स करें इसको। अब हम इसका लड्डू बना सकते हैं। आप जितना साइज रखना चाहें उतना रख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप जो साइज चाहें उस साइज के लड्डू बनाकर रेडी कर सकते हैं। आपका चूरमा इसी तरीके से पूरा रेडी है। तो चूरमा बनकर बिल्कुल रेडी है, और मैं इसकी सारी सामग्री जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या क्या मेजरमेंट लिया है बनाने के लिए, कितनी मात्रा में लिया है, वो सब मैं लिख के दूंगी। और प्लीज़, अगर आपको हमारी रेसिपी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।